हेलो गाइस, तो हम हो गए रेडी। 2 घंटे के नैप के बाद 3 बजे सोए थे हम लोग, 5 बजे उठे और अभी 6 बजे को हम जा रहे हैं ले मॉल रोड, यस माल रोड या मॉल रोड, और मार्केट भी हाँ वो टिबेटियन मार्केट वो सब है ना, वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। क्योंकि हम लोग को मैग्नेट्स लेना है फ्रिज के लिए एंड कुछ कुछ देखते हैं और क्या क्या मिलता है। तो हम रेडी हो गए और फर्स्ट डे हम नॉर्मल, लोग गए भी नहीं ना, इतना एक्सप्लोर नहीं किया फर्स्ट डे हाँ हम आए थे। फर्स्ट डे हालत ही नहीं थी। और पहन लिया नॉर्मल जीन्स एंड श्योर, ये स्वेटर और सागर का वही वाला आउटफिट, मेरा भी ओल्ड आउटफिट। अभी क्या ही, अभी चल रहा है, अभी मुंबई जा रहा है कल, तो क्या ही है, चलो चलते हैं। चलिए वैसे हम आ गए टिबेटन मार्केट। क्या मिंचेन? हाँ ऐसे मम्मी ने ऐसे लिया ना। हाँ वो कितने का पूछने का? सी यार ऑल्सो इट इज देयर क्यूट से एकदम। उसने भी ऐसा रखा था मालूम है, ये स्लीपिंग डॉग है ना, उसके गाड़ी में भी है कर्मा के, आगे देखा था तूने, कुछ तो है वो उससे। ये ऐसा क्यों रखता है स्लीपिंग डॉग? स्लीपिंग डॉग क्यों रखता है? स्लीपिंग डॉग पे ऐसे हाँ रखते हैं। क्यों ऐसे रखता है? कुछ उसके पीछे कुछ है? अच्छा छोटा बच्चा। हाँ बच्चा लेना है? नहीं नहीं ये नहीं लेना है। मैग्नेट कितने का है? मैग्नेट्स मैग्नेट प्लेन को 50 है। जी जी बैठिए। गाइस यहाँ पे अंदर एक और कुछ मार्केट जैसा दिख रहा है, देखते हैं। यहाँ पे लिखा तो है क्या देख रहे हैं? चलो देखते एक बार जाके क्या है। कभी कभी कोयले की खान में ही हीरा मिलता है। अच्छा ऐसे सब शॉप्स हैं, हैंडीक्राफ्ट ये सब, टॉप वॉप तो क्या लेना है, इधर भी आपको मिलेंगे। इधर वो नहीं मिलेगा ना तेरा, ये मेन रोड उस तरफ वाला मार्केट है। गाइस हमने सागर के लिए लिया एक स्टोल फ्रॉम रॉयल आर्ट्स। यहाँ पे बहुत खूबसूरत स्टोल्स है फ्रॉम कश्मीर और कश्मीर वुल। सागर का देखो बहुत खुश है, सागर मेरे लिए आया था लेकिन सागर के लिए ले लिया हम लोग ने। हाँ देखा मैंने। सो गाइस पूजा ने लिया है एक शॉल जो है 400 का। लाइट चालू करनी पड़ेगी, दिखा पर्पल कलर में, बिकॉज मेरे पास है नहीं, बहुत बड़ा है बट ना। सो गाइस ये है रात का नज़ारा मॉल रोड का। बैंक तो ऑब्वियसली बंद हो गए, चल अभी कहीं जाके थोड़ा बैठते हैं या घूमने है। वो उधर वो टिबेटन वाला जो है वो वहाँ कितने बजे बंद होता है? सो गाइस अभी हम जा रहे हैं लेवेंडा कैफे, चलिए चलते हैं अंदर। सो गाइस सागर ने ऑर्डर किया हॉट चॉकलेट, ये देखिए कैसा है, खुशबू देख ले अभी इसको, उसको जरा पी के भी देख लो भाई कैसा है। ऐसा क्यों पकड़ा है ये हाथ इधर, जैसे कि उतर जाएगा, कैसा है? प्रॉपर हॉट चॉकलेट है, गाढ़ा है, कोको काकाओ काकाओ काकाओ। और ये है यहाँ से व्यू पूरा का पूरा, आपको माल रोड जो है वो दिखेगा यहाँ पे। पूर्वी ने रिकमेंड किया था कि यहाँ पे जाओ, ये देखो पूरा माल रोड है यहाँ पे। अभी थोड़ा भीड़ कम हो गया बिकॉज 8 बज गए ना, तो ये साइड से भी दिखेगा आपको, ये साइड से भी दिखेगा। ये आ गया हमारा अराबियाता पास्ता, हमने बेसिल पेस्तो ऑर्डर किया था लेकिन उनके पास नहीं है। एंड ये सागर ने पहले खा भी लिया मेरे से पूछे बिना। नहीं नहीं खा लेना बेटा, खा ले खा ले, हाँ हाँ खा ले। तो गाइस अभी जब हम कैफ़े गए थे ना, वो है जामिया मस्जिद के बाजू में ही, ये देखिए ऊपर है ये वाला कैफ़े, वो इधर यहाँ पे हम बैठे थे।
हे गाइस, हम लोग आ गए हमारे रूम में। सागर को हल्का हल्का सिर दुख रहा है, जैसे मैं जो दिख रहा था ना वैसे सिर दुख रहा है। तो सागर ने अभी दवाई खाया है और मैं आपको दिखाती हूँ हम लोगों ने क्या क्या लिया। ज़्यादा कुछ लिया नहीं, सिर्फ तीन चीज़ें लिए हैं। ये है एक स्टोल, ये है सागर का स्टोल ही है ना, स्कार्फ, मफलर, ये है। एंड आई गॉट वन कुर्ता, नहीं नहीं हाँ कुर्ता भी होगी तरह पीछे आया ना भाई। और मैंने एक और ये एक शॉल लिया है पर्पल कलर में, इसका कलर बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये एकदम चद्दर जैसे, एकदम बड़ा है ना, फुल चद्दर जैसे, बहुत मस्त कलर है, ये एक लिया है। आई गॉट दिस सेमी स्टिच्ड कुर्ता, ये वाला, ये मेरे पास कलर है नहीं, फुल एम्ब्रॉयडरी है इसमें, ये मतलब मशीन एम्ब्रॉयडरी है, हैंडवर्क नहीं है। ये चार चीज़ हमने लिए हैं आज। और अभी टाइम हुआ है 10 o'clock एंड अभी हम करने जाएंगे पैकिंग, बिकॉज कल सुबह 9 o'clock को हम लोगों ने गाड़ी बुलाया है। सो उसके पहले पैकिंग होना ज़रूरी है। एंड व्हाट एल्स, आई विल शो यू द स्टूल। सो ये है मेरा स्टूल, ये एकदम सॉफ्ट, एकदम मखमली, एकदम ऐसे लगता है कि हैंकी जैसे है ना, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है ये। तो ये लिया है मैंने, कलरफुल वाला लिया है बिकॉज ये हर एक आउटफिट में जाएगा इसीलिए। नेक्स्ट स्टोल है, दिस इज सागर्स, दिस इज कश्मीर वूल बाय द वे। एंड ये है सागर के लिए, सागर को लेने नहीं वाले थे हम लोग, मतलब सागर का था कि पूजा के लिए लेते। मैंने बोला तू ले ले यार कुछ तो ले, कभी भी तू लेता नहीं, हमेशा बोलता कि तू ले, तो ये लिया है। ये भी एकदम सटल कलर है एंड मतलब हर एक आउटफिट में भी जाएगा, डार्क नहीं है ज़्यादा, ओवर द टॉप नहीं है, थोड़ा अच्छा है ये। तो ये लिया एकदम, ये भी बहुत सॉफ्ट है यार, बहुत सॉफ्ट है, इसके लिए अच्छा लगा, सॉफ्ट है ना एकदम मस्त। हाँ बस बस रखती हूँ, चल कर रहा हूँ ना मैं, तो ठीक है। और ये है तीसरा शॉल जो मैंने लिया है, इसको आप स्टोल की तरह भी पहन सकते हो, शॉल भी ऐसा ले सकते हो, एकदम मस्त है ये, पर्पल कलर, और ये कैमरा में भी अच्छा लग रहा है, बट है नहीं ऐसा कलर मेरे पास, तो ये लिया है तीसरा। और गाइस ये है मेरा फोर्थ परचेज आज का, ये एक लॉन्ग कुर्ता है, मतलब नीचे भी नीचे जाता है मुझे, और मेरे हाइट में मतलब इतना टॉल रह के भी नीचे नीचे जाता है, अगर शॉर्ट रहेगा तो पूरा एक वन पीस जैसी गाउन जैसे बनेगा ये। और ये कलर मुझे अच्छा लगा, इसमें ब्लैक में था, ग्रीन में था, ब्लू में था, मतलब एकदम नेवी ब्लू विच लुक्स लाइक ब्लैक ओनली, एंड येलो में था, बट ये कलर मुझे अच्छा लगा बिकॉज ब्लैक है घर में। एंड इसमें ना एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी, इसमें बैक साइड में भी फुल ऐसे वर्क है, सो इट्स ब्यूटिफुल। एंड ये है सेमी स्टिच्ड बाय द वे, तो यहाँ पे वो लोग आपको स्टिच करके भी देंगे विच विल कॉस्ट यू 500 rupees एक्स्ट्रा, बट अगर आपको अंदर अस्तर लगाना है ना तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब आप लोग नेक्स्ट डे देते हैं, अभी कल तो उन्होंने निकलने वाले, हमारे पास टाइम नहीं है, उन्होंने कहा कि 10 o'clock तक दे देंगे, हम लोगों की नहीं 11 o'clock की फ्लाइट है तो उससे पहले तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और फिर गाय गड़बड़ी में ऐसा ना हो ना कुछ भी दे दे, हमको भी चेक करने का फिर टाइम नहीं होगा। मैंने बोला ठीक है दे दो, हम कर देंगे मुंबई में। सो दिस इज हाउ इट लुक्स, इट्स ब्यूटिफुल। ये है वैसे बाय द वे सागर की चॉइस, कलर की चॉइस ना। द नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। और आज है लास्ट डे, लास्ट डे मतलब हम निकल ही रहे हैं अभी ले से मुंबई के लिए। टाइम हो गया है 8:20, ये आ गई पूजा, पहन लिया है पतले कपड़े बिकॉज मुंबई की गर्मी है, सो सब पतले कपड़े बाहर आ गए और स्वेटर्स विंटर वेयर सब अंदर चले गए। सो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि ब्रेकफास्ट करके फिर तब तक 9 o'clock जाएंगे और फिर वो आ जाएगा ड्राइवर, तो ज़्यादा लेट ना होना क्योंकि 11 o'clock की फ्लाइट है हमारी। बैग्स सब पैक करके हम लोग ने रेडी रख दिया, ब्रेकफास्ट करके आएंगे और बैग्स लेके निकलेंगे। इधर इतना साइलेंट है ना यार, आप भी, आपको भी आवाज आ रही है, कुछ आवाज आ रही है, आ रही है ऐसे लोग चल रहे हैं ना उसका तक आवाज आ रही है, लोग चल रहे हैं मट्टी है ना आवाज आ रही है। और क्या बोल रहा था मैं, हां अभी इधर भी बाहर एक्चुअली गर्मी है क्योंकि धूप है ना, इसके लिए हमने ऐसा नहीं कि भाई बट ठीक है क्लाइमेट, पसीना नहीं आता, प्लेजेंट क्लाइमेट है ना सागर। या चल चल जल्दी वो आ, चलो गाइस ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं, फाइनल बाय बाय करते ले लद्दाख को, और आपको मिलेंगे थोड़े टाइम बाद। तो आज है ब्रेकफास्ट में पोहा, कॉर्नफ्लेक्स, चाय, बॉइल्ड एग्स, देन छोले भटूरे, फ्रूट्स एंड और क्या सागर, छोले भटूरे, ब्रेड टोस्ट। सो गाइस इट्स टाइम टू से बाय बाय टू ले लद्दाख, बाय 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 बाय।
सो गाइज, बाय द टाइम हमारे जो ड्राइवर आए थे ना, पास्ट 9 o'clock हो गया था और हमारी जो फ्लाइट थी वो 11 बजे की थी. लेकिन हमें था कि ठीक है यार, एयरपोर्ट भी छोटा है, ज़्यादा इतना भीड़ नहीं होगी, फटाफट हो जाएगा. तो लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं कुछ कुछ बोल रही हूँ कि हमारी जो बोर्डिंग है ना, इतनी घाई गड़बड़ी में हुई है ना कि हमने कोई वीडियो नहीं बनाया एयरपोर्ट के अंदर, बिकॉज हम लिटरली भाग रहे थे. जिस टाइम पर हम एयरपोर्ट पर पहुँचे ना, उस टाइम से लेके फ्लाइट में बैठने तक हम बस भाग रहे थे. जब हम बैगेज काउंटर में गए, वहाँ पे भी उन्होंने अनाउंस किया कि कोई मुंबई के लिए कोई पैसेंजर है क्या, तो हमने बोला हाँ हम लोग है, हम लोग को आगे लेके गए उन लोग. सिक्योरिटी वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लाइन थी, बहुत ज़्यादा, और यहाँ की सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. लाइक यू हैव टू लिटरली टेक आउट एवरी थिंग आउट ऑफ योर बैग, कुछ भी आप रख नहीं सकते हो बैग्स में. मतलब आपके सूटकेस में भी अगर कुछ भी, जैसे कैबिन बैग में कुछ भी अगर होगा तो उस पर भी आपको निकाल पड़ेगा वहाँ पे ट्रे में. तो हमें ना बार बार निकालना पड़ रहा था. उन लोग ऐसे अनाउंस कर रहे थे कि वायर, बैटरी एंड वॉट नॉट, जो कि मुंबई एयरपोर्ट पर सब नहीं चेक करते इतना. मतलब लोग बैग में रखते हैं, हम लोग यहाँ पे आपको ऐसा नहीं, सब कुछ मतलब लिटरली एवरी थिंग आपको निकाल के रखना पड़ रहा था यहाँ पे. तो इसके लिए हम बहुत टाइम लग रहा था. एंड इसीलिए अभी अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हो ना, तो प्लीज़ जल्दी जाना. और एयरपोर्ट छोटा है ना, तो जगह भी नहीं होती है वहाँ पे, और सारे फ्लाइट्स की टाइमिंग ना आपस में एक दूसरे, मतलब आधे आधे घंटे में होते हैं, तो बहुत भीड़ हो जाती है वहाँ पे. तो यही था हम लोग का लीला था कबीर. आई होप यू लाइक दिस एंड विल बैक विद सम अदर वीडियोस. टिल देन, बाय बाय, लव यू ऑल.